राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। जैसे कि आपको सब पता ही है कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में तो महारानी तुलसा जी की विशेष पूजा होती है और इनको हमें इनका ध्यान रखना है और नलाई गुड़ाई भी करनी है अच्छी से, सूखने देना, हरी भरी रखना है और इनको चुन्नी पहना देना है। हाँ, एक बात और मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है कि इस बार दिवाली के बाद फौरन ग्रहण पड़ रहा है तो हमें तुलसी दल चाहिएगा। तो जैसे कि काफ़ी व्हाट्सएप पे आ रहा है कि हमें पहले ही तोड़ के रख लेनी है तुलसा जी, जिससे कि हम उसमें सब में डाल सकें, क्योंकि इतवार पड़ रहा है और फिर मावस है और ग्रहण है, सारी चीज़ें देख करके। पर उसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अपनी महारानी तुलसा जी को अच्छे से पानी डाल दें, क्योंकि इस बीच में हमारी महारानी तुलसा जी को हम जल भी नहीं चढ़ा सकते, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर हम भूल ही जाते हैं, बस सबने यही रट लगा रखी है कि तुलसा जी तोड़ के रख लें। अभी मुझे क्यों ध्यान आया, मेरे पास एक आई तो उन्होंने इतनी सारी तुलसा जी ले रखी है कि लाए हैं तोड़ करके, फिर मुझे लगा कि ये तो हमारी महारानी तुलसा जी का बहुत नुकसान हो जाएगा और पाप भी हो रहा है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि तुलसा जी तोड़ते हुए एक तो ध्यान रखें कि कोशिश करें कि हम उनकी जो मंजने वाला हिस्सा है वो तोड़ लें और तोड़ के आराम से पॉलिथीन में रख लें, फिर यूज करें। इससे दो काम होंगे, इनकी सेवा भी हो जाएगी मंजनी की और ये भी हमारे काम हो जाएगा। और दूसरे मैं यही कहना चाहूँगी कि महारानी में अच्छे तरह से जल भर के छोड़ दें, क्योंकि कई रोज़ हम पानी भी नहीं डाल पाएंगे। और इस आपकी इस सेवा से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होंगी और आपको रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी। बस हैप्पी दीपावली, धनतेरस, भैया दूज। मेरा ये छोटा सा संदेश है, मैं यही अपना नॉलेज के हिसाब से आपको बताना चाह रही थी कि महारानी तुलसा जी की तोड़ते समय ये इन बातों का ध्यान रखें। और कोई भी किसी अगर किसी से भी तुलसा जी ले रहे हैं तो उसे उखाड़ने की कोशिश ना करें, या ज़्यादा से ज़्यादा कि इस चक्कर में ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी मंजरी सेवन के लिए और उठा के फ्रिज में पैक करके जितना यूज हो सके कान्हा जी को चढ़ा, उसके बाद आप रख दें, उन्हीं पत्तों को यूज कर लें। अगर कोई भूल भी जाता है तो महारानी के नीचे पत्ते गिर ही जाते हैं, उन पत्तों को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सूखी तुलसा जी का भी उतना ही महत्व है। बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी वीडियो के साथ मिलती हूँ। कृपया मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार मुझे बरसाते रहें। फिर किसी वीडियो के साथ मिलती हूँ जानकारी के साथ।